मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन, मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15% पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक स्वरूप से स्वीकार कर दिया गया। इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी। ये कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। ये कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, संवैधानिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी। मंत्रिमंडल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा पात्र खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रायोजित करने या संबंधित विभागों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनुशंसा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम 6 सप्ताह की अवधि के इंतजार के बाद पद भर दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला के पटवार मृतबंगा को तहसील सेंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का भी निर्णय लिया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन एवं भरने के साथ मंडी जिला के थाना जंजहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें अधिनियम 2005 में संलग्न अधिसूची में संशोधन प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया। इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में सोलन जिला की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में परवाणु और संसारपुर टेरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणु से चलने वाली और हरियाणा के केवल 1 किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टेरेस या तलवाड़ा से चलने वाली या फिर पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम 2014 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह में विज्ञान और वाणिज्य की कक्षाएं और राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोकड़ में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने के साथ साथ आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में चंबा जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला भंडार को स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। इसी तरह से शिमला जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यार में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं आरंभ करने और आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सोलन जिला की राजकीय स्नातक महाविद्यालय ममलीग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने और आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करने को भी स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला की नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रतवाड़ी, धवोटा, राजपुरा और डोली में वाणिज्य कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नंद और भाटिया में विज्ञान एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोयला, पनेड़, रेडू एवं गुलरवाला में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं प्रारंभ करने और आवश्यक पदों के सृजन और भरने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय तुझार को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी गई है। किन्नौर जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला के रिकांगपियो में स्टाफ के आवश्यक पदों सहित सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी का पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शैक्षणिक पालमपुर के शिक्षकों वैज्ञानिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति दी है। इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। कैडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की कुल कैडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की कमरऊ तहसील में 11 पटवार वृत्तों को पुनर्गठित कर 7 नए पटवार वृत्त सृजित करके इनके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति दी है। इसके अलावा कांगड़ा जिला की उप स्वास्थ्य केंद्र गाहलियां को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन और इसको भरने को स्वीकृति दी गई है। मंडी जिला की निहरी तहसील के जनोह में आवश्यक पदों को सृजित कर भरने के साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को भी स्वीकृति दी गई। कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकीपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। कुल्लू जिला की बंजार तहसील के स्वास्थ्य उपकेंद्र देवरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति दी गई है। कुल्लू जिला की बंजार तहसील के स्वास्थ्य उपकेंद्र बठाड़ को आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति दी गई है। कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत रानीताल में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति दी गई है। मंडी जिला के बालीचौकी क्षेत्र के चौड़ी बटवाड़ा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति दी गई। सिरमौर जिला के कोटला बांगी यानी कि राजगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के चचियोर तहसील की ग्राम पंचायत गुड़ार में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति दी है। मंडी जिला के थुनाग तहसील के कियोली में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। कांगड़ा जिला की सुलह विधानसभा क्षेत्र में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और आवश्यक पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंडी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागाच नोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंडी जिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालीचौकी को 50 बिस्तर की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंडी जिला की जोगिंद्रनगर तहसील की ग्राम पंचायत गुम्मा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ मंडी जिला की बालीचौकी तहसील के धंडाली में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने सीजीएसटी मंडल एवं सीजीएसटी रेंज मंडी के लिए कार्यालय भवन एवं आवासीय आवास निर्माण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम बिक्री आधार पर 2,17,89,414 रुपये शुल्क के साथ नियमित स्वामित्व में भूमि हस्तांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में सोलन जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोंघो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से संयुक्त उद्यम की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसमें प्रदेश सरकार की 51% पूंजीगत हिस्सेदारी और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की 49% पूंजीगत हिस्सेदारी होगी। बैठक में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ साथ मंडी जिला की पंजाई और शिलीबागी में उद्यान प्रसार केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है। खोली द्वितीय और 126 मेगावाट की छतरडूपन बिजली परियोजनाओं को अपफ्रंट प्रीमियम की दरों पर बीओटी आधार पर नियम एवं शर्तों के अनुसार निजी क्षेत्र को आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिमला जिला के शोघी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए 1000 वर्ग मीटर की सीमा शर्त में ढील देते हुए 500 वर्ग मीटर करने को भी मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ मंडी जिला के बालीचौकी में ओक टसर रेशम उत्पादन प्रभाग स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों और इनके समकक्ष कैडर के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से यूजीसी की तर्ज पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा संचालित किए जा रहे सभी विद्यालयों को स्टाफ सहित शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्हें इस संबंध में आगामी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया। बैठक में कुल्लू जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला रंबी और शरई और जिला बिलासपुर की राजकीय प्राथमिक पाठशाला संधियार को स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। शिमला से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।
You never want me to judge, but maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day.